जी मित्रों, जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से दिल जला है कल शाम को हमारे कमर सिमर साहब का, क्योंकि जैसे ही उनको ये पता लगा, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने हमारा वीडियो देख लिया है क्या हुआ। आपको सवेरे के वीडियो में कल यानी कि शनिवार को सुबह जो मैंने वीडियो किया था उसमें मैंने बताया था कि झारखंड में एक अडानी का प्लांट है जो पावर सप्लाई करता है बांग्लादेश को, ढाका को। तमाम बिजली वहां से जाती है, ज्यादा नहीं 1600 मेगावाट बिजली जाती है वहां से। तो अब आप कल्पना कीजिए कि वहां पर क्या हो सकता है और कितना बड़ा लीवरेज है भारत के हाथ में उसका। आई थिंक बाय इवनिंग या तो उनको किसी ने वीडियो भेज दिया, लिंक भेज दिया या क्या कर दिया, मैं नहीं जानता, मगर उन्होंने देख लिया और शाम को ही उनका एक बेहद रोता हुआ वीडियो आया जिसका मैंने आपसे वादा किया था। तो लीजिए एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ उनको। अब बाय द वे, इसके बाद उन्होंने ग्लोबल साउथ को लेकर जो प्रेशर हुआ है जयशंकर जी का, डॉक्टर जयशंकर का, उसको लेकर वो और भी रोए हैं। तो मतलब आज का दिन मेरा काफी बिजी जा रहा है, बिकॉज यू नो इन्होंने अपने प्रोग्राम कर करके आज मेरा खून पी लिया है, इतना इतना रोए हैं। तो अब इनके रोने में जो खुशी होती है वो मुझे ऊर्जा देती है कि मैं आपको चीजें शेयर करूं। तो जरा देखिए कि अब ये कितना रो रहे हैं, लीजिए। दोस्तों, अक्सर मैं एक लफ्ज बोलता हूँ, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब यह है कि इस अंदाज से डिपेंडेंट होना कि आप चाहें भी तो एक दूसरे से जुदा ना हो सके। और आज का ये जमाना वही है। क्या भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली, $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजा जो है उसको वापस लाया जाए। जरा सोचिए, जरा सोचिए, एक तरफ बिजली का प्रेशर, दूसरी तरफ हसीना वाजिद का, वाह। लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है, सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बड़ी क्रूशल है। सो एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजिद को भेजे, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। कुछ याद आया कितनी देर हुई है जबान बदलते हुए? आज सवेरे का, शनिवार को यानी यस्टरडे का वीडियो था वो, सवेरे जब मैंने उनको बताया था, ये अंग्रेजी में बोल रहे थे, पॉलिटिकली बांग्लादेश नहीं मानेगा, बहुत सारा इंसेंटिव मिलने जा रहा है बांग्लादेश को, बांग्लादेश सारा इंसेंटिव लेके आ जाएगा, फिर वो इनको पॉलिटिकली इनकी बात नहीं मानेगा, वो पता नहीं किसके कैंप में चला जाएगा। अरे यार क्या क्या बातें हो रही थी, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, भाई की दुख भरी मतलब, तो उसकी आवाज में कितना मलाल है आप जरा देखिए। और वो अपना ज्ञान बघारेगा इस बात को जस्टिफिकेशन के लिए, ये भूलते हुए कि 12 घंटे पहले साहब क्या बोल चुके हैं। खैर, यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है, ये यस हैं सर। हालात। अब ये देखें, जो एक इलाका है भारत का जो जिसे बोलते हैं जरखंड झारखंड गोदा, नहीं, ठीक है झारखंड जी, है वहां पे वो। ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस है, और बांग्लादेश वहीं से जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश इसी वजह से देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया। लेकिन ये वो चीज़ है जो अदानी साहब की $1 बिलियन की इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को, ये गोधा से होती है, गोधा पावर प्लांट। ये कहा जाता है ये SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये 2019 में बनाया गया था और 100% इम्पोर्टेड कोल है। पाकिस्तान पे अक्सर तनकीद होती है कि पाकिस्तान बिजली बना के देता है, चाइनीज हमें बिजली बना के देते हैं इम्पोर्टेड कोल से। इंडिया भी बांग्लादेश को इम्पोर्टेड कोल से बिजली बना के देता है क्योंकि बांग्लादेश ने वो किया ही नहीं हुआ। अब मैंने बताया $1 बिलियन की ये बिजली जाती है उनको, लेकिन अगर ना जाए
तो हालात खराब हो जाएंगे वहां। और इसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, ये स्पेशली इंडिया ने एक लिवरेज क्रिएट की है। देखें जहां पे अदानी साहब आ जाते हैं वहां पे मोदी साहब भी आते हैं, और मोदी साहब को पता है कि अदानी को अगर मैं कहूंगा कि भाई मेरी वजह से तुम ये पावर प्लांट लगाओ ताकि तुम बांग्लादेश को बिजली बेचो, ताकि बांग्लादेश मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ताकि बांग्लादेश से मैं जो करवाना चाहूं मैं करवा सकता हूं, ये जो अदानी पावर है इसने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड से, ठीक है। और ये इसीलिए किया हुआ है कि उस वक्त शेख हसीना वाजिद पावर में थी और ये सारा कुछ मुमकिन था। अब मोहम्मद यूनुस अगर चाहें कि मैंने इंडिया से हालात खराब करने हैं तो मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसी तरह एक एक बिजली का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ करना चाहता था, कासा 1000 उसका नाम था, लेकिन पाकिस्तान इसी तरह एक और था एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि पाकिस्तान इंडिया ईरान गैस, जरा सोचो अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज से करना चाहते थे इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कासा, तो कासा बेबी क्यों नहीं कर लिया आपने, क्यों नहीं कर लिया, किस चीज ने रोक लिया आपको, कुछ तो मजबूरियां रही होती, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ तो बताइए मालिक, वो तो आपने बताया ही नहीं और आप बात लेके आगे बढ़ गए, चलिए कोई नहीं सुनते। पाइपलाइन का था, लेकिन पाकिस्तान के उस वक्त जो जादूगर लोग हैं, जो बहुत सियाने लोग अपने आप को समझते हैं, जो ज्यादातर मुल्क को जिसे कहते हैं ना, वो समझते हैं हम जादू से चला सकते हैं, हमारे पास ये जादूगर जो है ना वो है जिनका नाम नहीं ले सकते, जो पीछे से डंडा बड़ी जोर से मारते हैं अच्छे खासे सेहत वाले आदमी की सेहत खराब हो जाए ऐसा डंडा पड़ता है, तो उनका नाम लेने से बेहतर है कि भाई यू नो जादूगर बोल लो। बड़ी ताकत है, वो हमेशा ये कहते हैं लो जी हम क्यों पाकिस्तान की जो बिजली है, हम क्यों दिल्ली में चूल्हे जलने दें, हम क्यों सेंट्रल एशिया से गैस आए और जाके वहां पे गैस जो है वो जले, हम क्यों ऐसे करें, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें भारत को भारत की तरक्की को रोकना चाहिए। ये होती है अकलमंदी कि आपने अगले मुल्क को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया। आज अगर पाकिस्तान ईरान इंडिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन होती वन, चलो ठीक है ईरान इंडिया उसमें अमरीकी प्रेशर के बाद निकल गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी सेंट्रल एशिया से बहुत सारे गैस और बिजली के मंसूबे आ रहे थे, अगर वो सारे के सारे इंडिया तक पहुंच जाते तो आज इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट होता, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हमने ये काम अगर 20-25-30 साल कर पहले कर लेते, क्योंकि छोटे छोटे दिमागों वाले लोग आए हैं जिनकी लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं है। आज देखें इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि यार हमसे बात करो, लेकिन नहीं कर रहा कोई ऐसी कनेक्शन। देखिए इंडियंस कहते हैं कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, हम तरक्की कर रहे हैं आपके बगैर, हम तो आपके पास तब आए जब हमें तरक्की करने के लिए आपकी बड़ी जरूरी, आपके यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही हैं, और थोड़ा सा शायद इंडिया को भी चाहिए तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्यों करें। सो पाकिस्तान ने उस वक्त ये सारी हरकत करके सारा कुछ करके और ये एक चीज जो है वो रिवर्स करा ली, और मुझे इस चीज का इंतहाई दुख होता। दुख नहीं, तुम सबके सब खुश होते थे, मैं भूलता नहीं हूं तुम में से कईयों ने कमेंट्री की थी जब बॉम्बे में अटैक चल रहा था तुम्हारा, तुम्हारी आईएसआई का ऑर्गेनाइज किया हुआ, और जानते हो तब हिंदुस्तानियों को तुम्हारे लोग टीवी पे बैठकर लाल रंग की टोपी लगाकर अहमक बोल रहे थे, अहमक। चिम्मा साहब दिल जलता है याद करके, तुम्हें लगता है उस गुनाह की माफी मिलेगी तुमको, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। तुमसे बात की जाएगी, बात करने लायक वो तुम लोग जो तुम कर बैठे हो उसकी माफी मांगी है तुमने कभी, तुम बराबरी करोगे हमसे, हो कौन तुम, औकात क्या तुम्हारी, बराबरी करेंगे, पैरिटी चाहिए इनको इंडिया से। बट ये पाकिस्तान अपनी जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होती, और देखिए जो ममालिक हैं जब उनके दरमियान कारोबार होता है तो हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं। आज मजबूर कुछ नहीं होती हैं, वो इंटरडिपेंडेंसी दूसरी किस्म के लोगों से आती है, जो वो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो किसी को ब्लीड थ्रू 1000 कट्स नहीं करते हैं, है ना, वो नहीं करते हैं, वो उनके हवाई जहाजों को हाईजैक करके कंधार नहीं ले जाते हैं, है ना, ना ही वो लाहौर बुला के उनको जलाते हैं, ठीक है ना, ना ही वो कारगिल करते हैं, ना वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं,
तुम जैसों के साथ यही होना चाहिए, और यही नहीं, यही नहीं, अभी और बहुत कुछ होगा। चीमा साहब आने वाले 3 से 4 साल देखिए, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जरा बार पाकिस्तान का नक्शा तो देख लो, सॉरी दिखा दो, क्योंकि दिखाने में शर्म आएगी ना, देख के तो शर्म आएगी नहीं। डॉक्टर यूनुस मजबूर है टू डू एंड एक्ट एंड से व्हाट एवर इंडिया वांट्स, जो इंडिया कहता है डॉक्टर मजबूर है ना, क्या करे, यही कहेगा और क्या कहेगा। हाँ जी ठीक है हम करते हैं। आज मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कर सकता, आज मोहम्मद, आज देखें ये एक, इसे आप बोल दें फॉरेन पॉलिसी ट्रैप, ये एक फॉरेन पॉलिसी ट्रैप है जो अक्सर चाइनीज डालते हैं। देखिए इंडिया ने भी एक, देखें एक तरफ आप देखें, अब जरा देखिए मित्रों, ये आदमी 12 घंटे में अपनी बात से पलट रहा है। एक ये अभी इससे पहले वाले वीडियो में क्या कह रहा था, चाइनीज पैसा फेंकते हैं ताकि हम सबके मुंह बंद रहे, जैसे उन्होंने पाकिस्तान में पैसे फेंके हैं, जैसे चाइनीज जो है वो काम करते हैं बांग्लादेश में, वैसे ही काम करते हैं इंडिया को, इसीलिए बांग्लादेश में पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा फेंकना पड़ेगा, उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करना पड़ेगा, और वो पॉलिटिकली तब भी राजी नहीं होंगे। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। अब क्या कहना है, ये जो चाइना करता है वो ट्रैप है, जो सुबह उनकी पॉजिटिविटी थी वो शाम को नेगेटिविटी बदल चुकी है। इंडिया कहेगा जी हम तो बड़ा एहसान कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर, हमने तो आपके लिए देखें अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की, हमने तो अपने प्राइवेट सेक्टर को कहा, उस वक्त शेख हसीना वाजिद के साथ ये सारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये हुआ, और लेकिन लॉन्ग उस वक्त बांग्लादेश को बिजली चाहिए थी, क्योंकि बांग्लादेश की सारी इंडस्ट्री जो है वो अगर देखें जितनी भी ये जो एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है उस एक्सपोर्ट में से अगर 9.5-10% सिर्फ यही एक पावर प्लांट है तो गोदा है, तो आप देख लें कितनी जरूरी है। एनर्जी सिक्योरिटी किसको नहीं चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए होती है। सो उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ा कमाल किया, ठीक है जी, और ये उन्होंने इस हवाले से उन्होंने डाल लिया उनको, और आज वो मोहम्मद यूनुस साहब बैठे हुए हैं देख रहे हैं अपने वो कि मैम क्या करें क्या ना करें। आज उनको जो है वो ग्लोबल साउथ की समिट में आना पड़ा, क्यों ना आते, क्यों ना आते, एक तो प्रेशर भी था। अब याद है इससे पहले वाले वीडियो में क्या कह रहे थे, वो क्यों नहीं आएगा, वो हंस के आएगा, इस समिट में आया है आके अपने इंसेंटिव लेगा, पैसे लेगा, निकल जाएगा, बहुत सारे इंसेंटिव लेगा इंडिया से और निकल जाएगा बांग्लादेश, भाग जाएगा, जाके वो इनकी पोलिटिकली इनकी बातें मानेगा ही नहीं, ना इनको फॉलो करेगा, इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो बाहर निकल जाएगा, बांग्लादेश पे इंडिया का इंपैक्ट नहीं रह जाएगा, यही सब बोल रहे थे ना इससे पिछले वाले वीडियो में। मैंने कहा था अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको क्या तमाशा हो रहा है, ये देख लीजिए ये तमाशा हो रहा है। आगे देखिए, दूसरा जरूरत भी है और तीसरा आइसोलेशन तो दिखानी नहीं है ना उन्होंने, उन्होंने तो दिखाना है कि हम इस चीज में हो गए हैं। सो नरेंद्र मोदी ने बड़ी स्मार्टली जो है बांग्लादेश को अपने फोल्ड में ले आए, और आहिस्ता आहिस्ता, और वो बड़ी अकलमंदी थी उनकी, मैं आपको बात बताऊं बहुत ही बड़ी अकलमंदी थी। देखिए जो अभी कुछ घंटे पहले बेवकूफी थी इंडिया की मजबूरी थी, इंडिया पिट रहा था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई थी, वो क्या कहता सजित त्रौर, वो कह रहा था ना इंडिया की पॉलिसी फेल हो गई, मोदी देखो इधर का उधर देखता रहता है, बांग्लादेश चाइना की गोद में बैठा हुआ है, मौसम अमेरिकन पॉलिसी आ गई है, अमेरिका जो है उसने दिखा दिया है कि उसके पास कितने टूल्स हैं। अभी कुछ देर पहले ये कह रहे थे ना अमेरिका के बहुत टूल्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, वो तो यूरोपियंस को नहीं बैठने देते, इंडिया का चीज है, यही बोल रहे थे ना। अब जरा देखो कौन सी इंग्लिश बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ मैं बताऊँ दोस्तों, ये कुछ साल पहले की बात है, इमरान खान जब पावर में आए थे उससे कुछ पहले की बात है, यानी कि 18 में पावर में आए तो उससे पहले की बात है, कैपिटल टीवी इनके यहाँ एक चैनल होता है, कैपिटल टीवी में एजाज हैदर एक शो किया करते थे, एजाज हैदर अक्सर एक यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस USIP उसके जो साउथ एशिया हेड थे उनका नाम था उनका मोईद यूसुफ, जो कि बाद में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे इमरान खान के वक्त में, तो मोईद यूसुफ अक्सर आया करते थे, उन लोगों को किताब विताब भी लिख रहे थे, वो आया करते थे एजाज हैदर के शो में, और एजाज हैदर के शो में आके उन्होंने कई बार एक पर्टिकुलर लाइन पर जब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात आती थी, ट्रेड की बात आती थी, तो वो ये कहा करते थे कि भाई पाकिस्तान गलती कर रहा है, उसको चाहिए कि वो वाघा बॉर्डर का रास्ता इंडिया को दे दे
और वो जो अफगानिस्तान जाने का रास्ता खोल दे। काफी जो उन्होंने चल रहा था तुर्कमेनिस्तान ईरान और तुर्कमेनिस्तान इंडिया पाकिस्तान जो पाइपलाइन थी, तो तुर्कमेनिस्तान ईरान और पाकिस्तान इंडिया ये पाइपलाइन थी टापी। तो वो जनाब हाँ, तो ये जनाब उसमें लगे हुए थे और वो ये कहा करते थे कि ये जो जो सारे का सारा नेटवर्क है इसी कनेक्शन का, इसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आ जाते हैं और इंडिया पाकिस्तान को ऑपरेट करना चाहिए, उससे क्या होगा, पाकिस्तान की भारत के ऊपर लीवरेज बन जाएगी और जो जो बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया की वो हमेशा भारत की सरकार को प्रेशर में रखेगी इस बात के लिए कि पाकिस्तान से रिलेशंस ठीक रखो। उसके एग्जांपल में वो ये कहते हैं कि वो एग्जांपल कह देते हैं, वो देते हैं ऑपरेशन पराक्रम का हमारे यहाँ। मैं नॉट इन फेवर ऑफ दैट ऑपरेशन, जो एक्चुअली वो मुझे इतना घटिया ऑपरेशन लगता है जिस तरह से प्लान किया गया था। खैर, और वो नॉट फॉर आर आर्मी बट बिकॉज ऑफ आर पॉलिटिशियंस they actually you know did something very very wrong to our army in that time khair whatever to operation parakram wale time ko wo example banaya karte the unka ye kehna tha ki jis samay fauj eyeball to eyeball khadi hui thi us samay par jis cheez ne us wahan pe jo situation mein jo break aaya jahan se india ko back out karna pada wo isliye aaya because Americans ने वीजा कैंसिल करने शुरू कर दिया, उन्होंने अपने लोगों को हटाना वहां से शुरू कर दिया, गिविंग एन इंडिकेशन टू द वर्ल्ड कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा होने जा रहा है। तो फिर वो भारत को फौजें पीछे करनी पड़ी। तो उनका कहना ये था कि वी कैन हैव दैट सॉर्ट ऑफ लीवरेज कि जब भी हमें लगेगा कि भारत से लोगों को काम करवाना है पाइप बंद, तो यानी मैं आपको कुछ याद दिलाऊं, ठीक वही जो है अभी अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, जरा सी ठा फायरिंग हुई तुर्कमेनिस्तान वो तुर्कम गेट बंद बार बार पे, मतलब उनको उनका ट्रेड ही नहीं हो सकता। एज अ रिजल्ट तालिबान ने क्या किया, उन्होंने कहा भैया हम तो चावार के जरिए ले लेंगे सामान, हमें जाना ही तुम्हारे कराची पोर्ट, भाड़ दिया तुम्हारा कराची पोर्ट। अब क्या हो रहा है, आज की तारीख में इनकी फौज दुम दबा पीछे भाग रही तालिबान के कि भाई मेरे बात कर लो, तुम्हारा ही भला हो जाएगा, तुम यहाँ से ट्रेड कर लेना, हमारा कराची पोर्ट इस्तेमाल कर लेना, ये सिलसिला शुरू हो गया। तो ये यही होता है, इन जैसे लोगों के पास में, इन जैसे मुल्कों के हाथ में, रॉग नेशंस के हाथ में जरा सी पावर आ जाए तो ये आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब पलट के जूता मुंह पे पड़ता है तो फिर ये क्या होता है, फिर घिघी आने लग जाते हैं जैसे अभी घिघी आ रहे हैं। खैर, आगे देखिए। बहुत ही बड़ी अकलमंदी थी कि शेख हसीना वाजिद के इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए। और मेरे ख्याल से जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि शायद डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने और डॉक्टर जयशंकर ने सोचा होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मुस्तकबिल में भी, मैं एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट हमें मुस्तकबिल में भी फायदा देगा, हसीना वाजिद रहे या ना रहे। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया वो हसीना वाजिद चलेगी तो नरेंद्र मोदी के पास कौन से पत्ते हैं, ये एक पत्ता है, इस तरह के बहुत सारे इस तरह के पत्ते हैं। अब क्या है कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, और अगर बांग्लादेश के और इंडिया के हालात खराब होते हैं और अगर 25 साल तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह के हुकूमत मसलों में फंसी हुई है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से बिजली लेने के वादे किए हैं, उनको हम कैपेसिटी पेमेंट्स देते हैं कि हम आपकी बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आप बिजली पैदा करें या ना करें, हम आपको पैसे जरूर देंगे, आप बिजली पैदा करें। मित्रों, ये निहायत ही बेवकूफाना बात हो रही है, क्योंकि इस तरह का एग्रीमेंट जो इनकी सरकार ने किया था वो निहायत ही फोहड़ किस्म का एग्रीमेंट था, उसके पीछे कोई रैशनल नहीं थी, कोई लॉजिक नहीं थी। जब ये एग्रीमेंट करवाया गया था उसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो इनका मीडिएटर था, उनकी हेल्प से बना था उस एग्रीमेंट को, ड्राफ्ट वर्ल्ड बैंक ने किया था। इनके यहाँ ब्यूरोक्रेसी की हालत ये है कि अपने आप को न तो एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं ना उस पर नेगोशिएशन कर सकते हैं, तो वर्ल्ड बैंक का बना बनाया माल मिल गया, नकल मोड़ो जान छोड़ो बन गया काम, तो गोरे ने बना के दिया है अच्छा ही होगा, बगैर उस पर कोई नेगोशिएशन के, बगैर उस पर कोई डिस्कशन के, इंटरनल डिस्कशन भी कोई नहीं हुई, वो एज इट इज पीपीपी की गवर्नमेंट थी 96 के आसपास जब ये शुरू हुआ था और बाद में नवाज शरीफ ने उसको आगे फॉलो बैक कर लिया उसी तरह से। मसला क्या बना भाई, अगर एक कंपनी कोई आकर आपके यहाँ पर
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है, ए टू जेड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती है, तो भाई उनको अपने जो वो बैंक से लोन लेंगे ना, कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे, वो जो पैसा लगाते हैं उसकी वापसी के लिए उनको सर्टन पैसे की गारंटी चाहिए थी, वो परसेंटेजेस लाएंगे कि भाई हम जितना पैसा लगा रहे हैं इसका इतना परसेंट हमको रिकवरी चाहिए। अब अगर आप अपनी इंडस्ट्री नहीं डेवलप करते हो, अगर आप उस बिजली को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं कंज्यूम नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए वो बेचारे क्यों जिम्मेदार ले, वो क्यों जिम्मेदारी ले? और जब आप खरीदने की जिम्मेदारी या अपने कंज्यूमशन की जिम्मेदारी नहीं लेते हो, तो वो अपनी प्रोडक्शन पर जो पैसा लगा रहे हैं उसकी रिकवरी उनको तो चाहिए ना, बिकॉज दे आर कमिंग ऑन इन्विटेशन। This and that's why ये जो capacity payment की बात आई थी, ये आई थी। By the way, मैं आपको बता दूं कि 1996 में जब ये सारा कुछ हुआ था, 1996-97 में, उस समय पर ये World Bank ने करवाया था। World Bank ने बाद में regret किया था कि हमने गलती की, हमको basically open bidding करवानी चाहिए थी इसके लिए, and it was our mistake। अब जरा सोचिए, अगर World Bank ने अपनी गलती मान ली कि इस तरह के agreement हमको नहीं करवानी चाहिए थे, तो आप लोगों ने उसको revise क्यों नहीं किया? ना, इन्होंने 30-30 साल के लिए, 1900-2030 तक के लिए 30-30 साल के लिए उन्होंने धड़ाम एग्रीमेंट मार लिए, आज आप कैसे पड़े। तो ये उसका हवाला दे रहे हैं। अब ये इनको कैसे पता है कि इतना बेवकूफाना एग्रीमेंट बांग्लादेश और भारत के बीच में भी हुआ होगा? ये अज्यूम कर रहे हैं कि सिंस हम पागल हैं तो दुनिया भी पागल है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग व्हाटएवर ही इज सेइंग राइट नाउ, ये इस तरह की कैपेसिटी पेमेंट और ये हो, ये सब बकवास है। Because no sane mind, irrespective of which country, can ever have those kind of agreements जो इन लोगों ने किए हैं पावर अपने पावर प्रोड्यूसर्स के साथ में। या ना करें, हम आपको पैसे दें, और अगर हम उनसे ये, अब हम उनको पैसे देते हैं, वो बिजली नहीं पैदा कर रहे हमारे लिए, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है बिजली की, हमारी बिजली की जरूरतें पूरी हो रही हैं, हम बिजली बनवाते ही नहीं है उनसे। वो मित्रों क्यों नहीं बिजली बनवाते? क्योंकि आप बनाते तो चले गए बिजली घर, वो बिजली उनसे प्रोड्यूस करवाते चले गए, मगर आपने उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो नहीं सेटअप किया। तो आप बताइए, इसमें बेचारे प्रोड्यूसर की क्या गलती है? उसने आपके यहाँ जो कैपेसिटी आपने जनरेट करने के लिए कही, उसने वो कैपेसिटी बनाई लगवाई, और उसके लिए उसने बैंक से लोन लिया हुआ, उसको पैसे वापस करने बात खत्म हो गई। आपने अपना नेटवर्क नहीं ठीक किया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं बनाया, तो उसमें गलती उनकी है। बिजली पैदा ना करके भी पाकिस्तान की हुकूमत से करोड़ों अरबों रुपए ले रहे हैं, तो इसी तरह अब होता क्या है कि पाकिस्तान उनको ये नहीं कह सकता, हम आपको नहीं दे सकते, हमने उनके साथ मुआहदे किए हुए हैं। अब ये सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, इंडिया 2 मिनट में इंटरनेशनली इसको बांग्लादेश को ले जाएगा, और बांग्लादेश की इंडस्ट्री के ऊपर और भी ज्यादा असर रसूख होगा, बांग्लादेश की इंडस्ट्री के ऊपर और भी असर पड़ेगा कि हाँ भाई ये क्या कर रहे हो, पहले ही आप लोग हमारे ऑर्डर पूरे नहीं कर रहे, पहले ही वहाँ पे फसाद चल रहे हैं, दंगे चल रहे हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, आप कर क्या रहे हो हमारे साथ? सो ये चीजें जो हैं, दैट मेक्स द केस, ये चीजें दे दीस थिंग्स मेक। ये मिस हो गया मुझे, ये सेंटेंस जुमला ये गलत हो गया, वरना ऐसे में तो ये हमारे सीमा साहब क्या कहते हैं, दैट टेल्स अ स्टोरी, वो स्टोरी की जगह पे ये नई बात बोल दी इन्होंने इस बार, है ना? तो खैर आगे देखते हैं। केस, हाँ, दैट इज अ केस, ठीक है ना? इससे हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सो मैं ऐसे समझता हूँ कि हमेशा जो ममालिक हैं उनको दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे हैव टू बी वेरी वाइज, उनको इंतहाई वाइज होने की जरूरत है। जब आप और कोशिश करें कि हमेशा, आज पाकिस्तान देखिए, आज इंडिया पाकिस्तान से क्यों कारोबार नहीं शुरू करता मुझे बताएं, यही वजह है कि अगर पाकिस्तान, आज की बात कर रहा हूं, गो के हमने तो इंडिया के साथ बड़े मजाक किए हैं ना, हमने तो उनको MFN स्टेटस भी नहीं दिया, उन्होंने हमें MFN स्टेटस देके हमसे विड्रॉ कर लिया, हमने उनको MFN स्टेटस ही नहीं दिया। मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस फॉर डूइंग बिजनेस इंडिया ने 1991 में हमें दिया, हमने उनके साथ मजाक किया, उनके साथ खेलते रहे, लूडो खेलते रहे हम उनके साथ, उनको तंग करते रहे। नहीं चीमा साहब गलती कर रहे, आपको लग रहा था आप लूडो खेल रहे हैं, दरअसल जो खेल चल रहा था वो शतरंज का था, आप शतरंज के खेल को लूडो समझ रहे थे इसलिए मारे, सीधी सी बात है, शतरंज शतरंज होती है, लूडो लूडो होती है, लूडो शतरंज नहीं होती,
शतरंज लूडो नहीं होती। अमिताभ बच्चन को लगा सुना है, अमिताभ बच्चन को तो जानते होंगे आप हैं भाड़, और जिससे आप लड़ रहे थे वो था साढ़। अब होता क्या है, साढ़ साढ़ होता है, भाड़ नहीं होता, भाड़ भाड़ होता है, साढ़ नहीं होता, इतनी सी बात है। उनके लिए मसले पैदा करते रहे, ये ओपिनियन है पाकिस्तान के अंदर, ये मेरी अकेले की ओपिनियन नहीं है। और हम ये सारा कुछ करते, अकलमंद होते, सियाने होते तो इंडिया के साथ कारोबार की पींगे बढ़ाते। ताकि आज मुझे बताएं, ये पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ कारोबार किया जाए। क्यों? उनको तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनकी फसलें सब्जियां सारी सेंट्रल। आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये ख्वाहिश वाहिश कुछ नहीं है पंजाब में, ये बोल क्या रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं हरसिमरत कौर का, जो उन्होंने लोकसभा में बोला था। एशिया तक पहुंच सकती हैं वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान, और उनकी मंडी का रेट ज्यादा लग जाएगा, उनको जब भेजनी पड़ती है अपने साउथ में। अच्छा जरा सोचिए, हम कैसे भेजेंगे अफगानिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान ये दे रहे हैं हमको, ये वहां पे पता ही क्या कहते हैं, आपके यहाँ से माल आएगा, वाघा पे उतरेगा, हमारी लेबर उतारेगी, हमारे ट्रक पे चढ़ाएगी, फिर हमारे यहाँ से जाएगी, वो अफगानिस्तान पहुंचेगी, अफगानिस्तान में हमारी लेबर उतारेगी, इस तरह से हमसे ट्रेड कराएंगे। मतलब जो बेचारा जो जो ट्रेडर है वो तो मारा गया इनकी लेबर देने में, और है क्या, ये सब कमाई करने का जरिया है, दूसरे जेब से पैसे खींच लो, अब तक किया चल रहा है, तो उनको वो रेट नहीं लगता, उनको वो चीजें उस तरह नहीं बिकती, तो पंजाब का जो बिजनेसमैन है उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। ठीक है, सो पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि अगर कारोबार खुले तो हम बहुत सारी चीजें इंडिया से ले सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि अब इंडिया ने इतने हाई टैरिफ लगा दिए हैं कि हम वो प्याज ही नहीं ले सकते, वो टमाटर ही इंडिया से नहीं ले सकते, हम केला नहीं ले सकते, खजूरें नहीं ले सकते, बहुत कुछ। अगर मैं आपको, पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्चुअली इम्पोर्ट इकोनॉमी बन चुकी है, हम हर चीज चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। आज इंडिया बॉर्डर खोले, हम हर चीज इंडिया से इम्पोर्ट करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, और ये 250 मिलियन की कंज्यूमर बेस है, 250 मिलियन की जो कंज्यूमर बेस है। यार सोचो, किसने इनसे कहा था ट्रेड बंद कर लो, ट्रेड तो तुमने खुद बंद किया है ना, आज भी तुम्हारे यहाँ से फॉर्मली तुम्हारे कुछ नहीं कहा जाता, ये कहना तो फजूल है ना कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो बड़े मैसेज गए, कौन से मैसेज गए, किसके मैसेज गए, इन्होंने कभी कोई औपचारिक प्रस्ताव, कोई ऑफिशियल प्रपोजल भेजा, कौन से तरह से हमसे ट्रेड करना चाहते हैं। तो जब भी इनसे ट्रेड की बातें होती थी तब भी इसी तरह अंग्रेजी बोलते थे, टेढ़ी मेढ़ी लिस्टें बना के ले आते थे, ये चीजें जो है वो हमारे ऊपर हमारे साथ करेंगे, MFN आपने दिया नहीं, आप खुद कर रहे हैं, मजाक कर रहे थे, खेल रहे थे, तो बेटा खेलो, खेल तुम हमारे साथ नहीं रहे थे, खेल तुम अपनी पाकिस्तानियों की जिंदगी के साथ रहे थे, अब भुगत रहे इसका। इसने कुछ ना कुछ तो भाई, इसने कुछ खाना पीना करना तो है ना, तो वो कहाँ से करेंगे, इधर यूरोप के अंदर देखें आप, यूरोप चले जाएं, वहां पे वो डिपेंडेंट है, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, वो हर चीज खुद पैदा नहीं करते, दे डोंट प्रोड्यूस एवरीथिंग देमसेल्व्स, उनको कहीं ना कहीं दाएं बाएं भागना पड़ता है, दाएं बाएं उनको भागना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है कि भाई किधर जाएं। ये डड्डू है, किसी को कहीं नहीं भागना पड़ता यूरोप में, मार्केट सबके लिए खुली हुई है, जो लोग जो प्रोड्यूस करते हैं वो सब अपने बाजार को वहां फैलाते हैं, हर एक की अपनी एक्सपर्टीज है, सब ये सही है कि वो इंटरडिपेंडेंटिटी है, सब एक दूसरे के बाजार में अपनी दूसरों की चीजों को जिसकी जहां खपत है मिलता है। आप देखिए ना, ये तो यूरोप की बात कर रहे हैं, आप किसी भी एक बाजार में चले जाइए यूरोप के, मैं आपको जर्मन एक्सपीरियंस बता देता हूँ अपना, कि मतलब लाइन लगी होती है जहां पे मंडी होती है सब्जी की, अगर आप वहां जाए, ये ब्राजील का टमाटर है, ये फलानी जगह का टमाटर है, लाइन लगी पड़ी होती है आपको दुनिया भर की, ले लीजिए आप जो जो वहां चले जाइए, आप सुपर मार्केट में चले जाइए, वहां कोई हाल होता है, तो सब कुछ खुला बाजार है, हर चीज अवेलेबल है, जिसको जो चीज पसंद है, जिसका टेस्ट पसंद है, वो उसका प्राइस पे करता है, ले जाता है, बात करो। इस सारे में आप ये देखिए, नीदरलैंड को देख लीजिए, कितना बड़ा हिस्सा, 70% उनकी जो जो लैंड है वो खेती में यूज हो रही है, किसानों के पास है, और यूरोप का सबसे नंबर दो पे है वो इस समय एग्रीकल्चर सप्लायर, वहां पे जो जो सारी सारी सब्जियां वहां पैदा हो रहा है जा रहा है, इवन फ्लावर, आप देखिए यूरोप में जो फ्लावर है, जो फ्लावर की जो मंडी है, वो मैंने आपको बताया शायद नहीं पहले कभी, जर्मनी के एंड पे
हॉलैंड के बॉर्डर पर डुसेलडॉर्फ से आगे जाकर वहां पर एक जगह है स्ट्रालन, जहां पर मतलब खाली वहां फ्लावर ही उग रहा होता है, फ्लावर ही फ्लावर उग रहा होता है, जो जो कि यूरोप में सारे में सप्लाई होता है। तो एक खासियत उनके पास है, कोई खासियत उनके पास है, सर्टन काइंड ऑफ फ्लावर्स हैं जो हॉलैंड में होते हैं वो अलग सारे में बिकते हैं। तो ये सीन है, तो मतलब वो जो डिपेंडेबिलिटी है वो बड़ी यूनिक किस्म की है जो आपस में है। ये कहना है कोई भाग रहा होता है वहां पर, कोई कहीं नहीं भाग रहा होता है, भागने की जरूरत होती है, बाजार है, बाजार एक एक खास तरीके से ऑपरेट करता है। कहाँ जाएं और क्या करें और क्या ना करें, ये दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई से, दिस इज व्हाट आई आई वांट, कि ये समझें कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने और नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इंडिया को एक ट्रैप में लिया, ठीक है, और वो बड़ा जबरदस्त ट्रैप है। और ट्रैप ये है कि जिसमें इंडियंस जो है वो बंगाली बड़े खुश हैं, शुक्र है जनाब कि हमारा वो आया है, कौन है, शुक्र है कि हमारा ये आया है, ठीक है ना। तो ये एक चीज है, उनको तो बड़ी खुशी है कि शुक्र है कि हम इस काबिल हुए हैं कि हमारी हम कुछ ना कुछ जो है वो कर रहे हैं कि हमें कोई बिजली कहीं से आ रही है, अदरवाइज तो ये मुमकिन ही ना होता क्या है। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारा टाइम डॉक्टर जयशंकर ने और नरेंद्र मोदी ने ये प्लान्स बनाए कि बांग्लादेश को हम क्या कर सकते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं, यही काम ये मालदीव्स में कर रहे हैं, यही काम श्रीलंका में कर रहे हैं, कि तमाम मुल्कों को कोई भी हुकूमत आ जाए वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। अब जरा सोचिए इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम थ्योरी जो महीनों के हिसाब से ये और साजिद-तरार बुन रहे थे भारत खत्ते में, इंडिया क्या है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फेल हो गई, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फेल हो गई, अब वो कहां गई। अगर इस बात को सही माना जाए जो ये अब कह रहे हैं कि बांग्लादेश में पार ये सब ये सारी स्टेट्स में कर रहे हैं, श्रीलंका में कर रहे हैं, मालदीव में कर रहे हैं, इसका मतलब वो सब भी इंडिया के उसमें आ गए, इंपैक्ट में आ गए। तो फिर आपका ये कहना कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फेल हो गई वो कहाँ गई। इधर यू कैन बी राइट हियर और यू कैन बी राइट देयर, अब दोनों जगह सही नहीं हो सकते। और ये सारी की सारी थ्योरी पिछले महीनों में लगातार बनी जाती है इन लोगों तरफ से। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट दे आर डूइंग इज क्रिएट अ नैरेटिव, they are simply trying to create a narrative, a negative narrative about India in a very subtle way. कोई भी हुकूमत आ जाए वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होगी। सो इन अदर वर्ड्स, आप जितनी मर्जी बातें करें, इंडिया जो है वो चाइना की तरह ऑपरेट नहीं करता, लेकिन गोल्स वही हैं। आप जरा सुन रहे हैं, आप जरा देखिए अभी अभी ये सुबह क्या कर रहे थे, चाइना डिफरेंटली ऑपरेट करता है, चाइना पैसे देता है, खूब पैसे देता है, अब इंडिया को पैसे देने पड़ेंगे। अब वो कहां गई थ्योरी, 12 घंटे में थ्योरी बदल गई। चाइना तो इतने सस्ते कर्जे दे दे के फंसा लेता है ना, इंडिया ऐसे नहीं करता। इंडिया कहता ठीक है कारोबार करें, इंडिया अपने बिजनेसमैन को सामने लेके आता है, उन्हें कहता है इन्वेस्टमेंट करो, और इन्वेस्टमेंट करके वहां से चीजें लेता है, या खुद वहां पे अमेरिकन स्टाइल में ऑपरेट करता है कि जाके वहां पे प्रोजेक्ट्स कर दो डेवलपमेंट के, उनको थोड़ा दो, उनको फील कराओ कि आप हमारे भाई हो, दिस एंड दैट, मतलब इस तरह की चीजें। इंडिया उस तरह नहीं करता, लेकिन ये जो है कि भारत को अंधेरों में बदला जा, बांग्लादेश को अंधेरों में बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। और इसके लिए इंडिया ने फीलर्स छोड़ने शुरू कर दी है, मैं आपको बात बताऊँ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, दे वॉन्ट टू सी। और ये इसको बोलते हैं कोर्जन, ये आप कोर्जन देखिएगा आप, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, ये कोर्जन जो है ना। सबसे पहले आपने सुना था इनकी मुंह से कोर्जन, इससे पहले क्या हो रहा था, हिंदुस्तान को भारत को मजबूर कर देंगे, भारत को पैसा देना पड़ेगा, भारत इनके झुकेगा, भारत इनको इंसेंटिव देगा, ये सब बातें हो रही थी ना। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये इंडिया की तरफ से होगी, और डिप्लोमेटिक कोर्जन भी हो सकती है, बहुत तरीके भी हो सकते हैं। देखने हैं कि इंडिया आइंदा बांग्लादेश आइंदा आने वाले दिनों में क्या करता है और कैसे इंगेज करता है इंडिया के साथ, क्योंकि जैसे जैसे शेख हसीना वाजिद की जो किस्मत का फैसला होगा वो इंडिया और इंडिया नहीं करना है, ज़ाती तौर पर मैं समझता, क्योंकि इंडिया के पास ही मौजूद है, इंडिया ही कह सकता है मैंने नहीं भेजना, इंडिया ही कहता है मैंने भेजना है। सो मैंने तो पहले कहा कि अगर मैं इंडिया में मैं होता किसी जगह पर तो मैं कभी भी ये फैसला ना करता कि हसीना वाजिद को भेजें, गो के एंटी इंडियन जो सेंटीमेंट्स बांग्लादेश में ज़रूर उठेंगे,
लेकिन इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी एट स्टेक आ जाएगी। लेट्स सी, देखिए आप लेट्स सी करते रहिए जरा। और इसी के साथ मित्रों मुझे खाली आपको ये बताना था कि कैसे कैसे 12 घंटे के अंदर में ये आदमी सिरे से पलट गया अपनी बात से और तमाम थ्योरी से जो ये अब तक देते रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। मेरा वादा था आपसे कि आज सुबह मैं आपको वीडियो दूं, तो ये वीडियो आपके लिए हाजिर है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इन केस आपने नहीं किया है, लाइक एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।